हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो भाई मॉर्निंग का टाइम है, अभी टाइम हुआ है 8 बजे का। बच्चों को छोड़ के आई हूँ स्कूल और लोग की शुरुआत कर दी है सुबह से ही। तो आज मैंने पनीर की भुर्जी बनाई थी, जो कि पनीर मैंने घर पे ही बना लिया था, एक्स्ट्रा दूध था तो आप भी बना सकते हो। मैंने उसमें नींबू डाल के गर्म करके उसका पनीर बना लिया, फिर उसकी भुर्जी थी। ठीक है, तो खाने में मैंने बनाई धनिया की चटनी और पनीर की भुर्जी और परांठे। ठीक है, बच्चों को दे दिया है, बुंदी कराया था और अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। काली आने वाली है भाई, पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है, सिर्फ मेरे जो कर्टेन हैं लॉबी के वो बचे हैं, उनको मैं वॉश करूंगी एक दो दिन में। तो आज मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, मैंने नहीं की थी, ऊपर वाले पोर्शन की कर दी थी, मतलब जो ऊपर है ना, सबसे ऊपर जो बॉक्सेस के ऊपर जो है उनकी कर दी थी। बट आज मैं किचन की क्लीनिंग करने की सोच रही हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, अभी सिर्फ मैंने बच्चों को खाना बना के खिला के भेजा है और अभी ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। डस्टिंग, झाड़ू पोछा, कपड़े आज कमी है, हाथ से धोऊंगी, मशीन नहीं लगा रही हूँ, और किचन की क्लीनिंग करती हूँ आज मैं, क्योंकि दिवाली फिर आई जाएगी, पता नहीं चलेगा कल। और ये स्प्राउट्स देखो, 2-3 दिन के रखे हुए हैं, किसी ने नहीं खाए। और विनीत गया है आज नाराज होकर स्कूल, खाना नहीं खाया उसने और ना लेके गया, लेकिन मैंने दक्षिता को दे दिया है, मैंने कहा स्कूल में दे देना तब ले लेगा। तो अभी वही करते हैं शुरुआत। पहले मैं करूँगी ऊपर वाले पोर्शन की, इसकी पहले सारे कंटेनर्स निकाल लेती हूँ, मैं देखती हूँ इसमें कितना सामान है। वैसे तो सामान मंगा के रखा हुआ है बट फ्री नहीं किया है। मैं सोच रही थी जब अच्छे से फिनिश हो जाएगा ना, तब फिर कंटेनर को अंदर से भी धोके फिर कर लूँगी, बट ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं फटाफट से किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि इसमें 2 दिन तो लगते ही हैं। सोच रही हूँ टाइल्स 1-2 दिन बाद धोऊंगी, लेकिन आज जितने भी कंटेनर्स है, काफ़ी दिन हो गए, इनमें चेक कर लेती हूँ कैसा सामान बचा हुआ है, कम है ज़्यादा है। जो थोड़े खाली होने वाले हैं उनको अंदर से भी धो के धूप लगा के फिर इसमें सामान है वो मंगा के रखा हुआ है, उसके बाद फिल कर दूंगी। और कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं कई बार जो एक्सपायर हो जाती है, तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनको किचन से हटाया जा सके। तो यहाँ पे मैं मसाले वगैरह के डब्बे वगैरह हैं, इनको अपनी अपनी जगह पे सेट कर दूंगी। और अच्छे से मैंने इसको गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से मतलब साफ़ कर दिया है, तो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। और देखो, हम ये सोचते रहते हैं कि दिवाली के काफ़ी दिन है, बाद में सफाई करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन एकदम से आ जाता है, पता ही नहीं चलता बहुत जल्दी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले ही, दिवाली से पहले ही सारे काम अपने फिनिश कर लेती हूँ। और जो ऐसे 1-2 बर्तन थे ना, वो भी मेरे को किचन से सबके बर्तन निकालने थे और नए लेके आने हैं, तो मैं उनको भी अलग से छाट के रख दूँगी ताकि उनको चेंज करा सके और नए बर्तन ला सके। हर दिवाली में धनतेरस पे भाई कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि अगली बार कुछ लेके आऊँ, तो उस वजह से मैं जो बर्तन ऐसे हैं जो मेरे को अभी नहीं चाहिए किचन में, तो उनको अलग से निकाल के रख दूँगी। कंटेनर जो खाली हुए हैं उनको धो के रख लेती हूँ और उसके बाद फिर उनमें सामान फिल करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से मैंने जितने भी कंटेनर थे उनको धो दिया है, अब इनको सुखा के रख दूंगी। तो यहाँ पे ये देखो फ्रेंड्स, सारे जो डोर्स वगैरह ना, सारे मैंने खाली कर दिए हैं, ये भी ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। इनके अंदर बहुत ज़्यादा बारीक बारीक डस्ट निकली है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा मैसी हो गई थी, काफ़ी दिन हो गए थे इनकी क्लीनिंग नहीं की थी। तो ये मैंने सारा सामान निकाल के रख दिया है और इनको अच्छे से अंदर से साफ़ कर दिया है, जाली वगैरह साफ़ कर दी। अब थोड़ी सी हवा लगने दूंगी ताकि अच्छे से सूख जाए, जंग वगैरह ना लगे, उसके बाद फिर मैं इसमें जो बर्तन है वो सेट कर दूंगी। टाइम हुआ है अभी 10:30 का, 10:35 हो गए हैं, काम मेरा कुछ नहीं हुआ है। और अभी सिर्फ मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा, उसके बाद ना आने वाले हैं, तो फटाफट से मैं जो प्रोसेस है उसको कर देती हूँ। आज मैंने किचन की क्लीनिंग की है, जो कि आप देख सकते हो पूरा किचन मैंने सेट कर दिया, ये देखा। तो यहाँ पे भाई मैंने जितने भी बर्तन वगैरह कंटेनर्स थे सारा सामान सेट कर दिए हैं। और अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए दही बड़े। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया, पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, हींग डाल दिए, गुनगुना सा पानी, इसको कर दूँगी पानी। तो यहाँ पे भाई बच्चे आ चुके हैं फाइनली, और अभी मैंने ना दही बड़े बना दिए इनके लिए। देखो 4 प्लेट रेडी कर लिया हमने, ये देखो।